नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। और चलिए आज के इस खास विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आज छत्तीसगढ़ में गौ अभ्यारण योजना पर बात करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में गौ अभ्यारण योजना और उस पर हो रही राजनीति की आज चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, गौ माता पर राजनीति तो बहुत दिनों से होती है और काफ़ी लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, गौ माता पर राजनीति होती आ रही है। लेकिन गौ माता की हालत कभी नहीं सुधरती। तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद गौ माता सड़क पर एक्सीडेंट से मर रही हैं, सड़ा गला भोजन और पन्नी खाकर मर रही हैं, बड़े बड़े सड़क हादसों का कारण बन रही हैं। अब आलम यह है कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं में 95% गौवंश हैं। सड़कों पर आवारा घूमती पशुओं की ये एक संख्या बता रही है कि मवेशियों के लिए जो भी योजना सरकार बनाती है वह सब कागजों तक ही सीमित है, उनमें कोई भी प्रभावशीलता नहीं है। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी गौठान योजना बनाई, लेकिन वह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जितना पशुधन नहीं था उससे कहीं ज्यादा गोबर कागजों पर खरीदा गया, अनेक तरह से भ्रष्टाचार हुआ। उस वक्त बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए भ्रष्टाचार का केंद्र बताया था। तत्कालीन भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने गौठान योजना की जांच प्रवर्तन निदेशालय से करने की मांग की थी। सरकार बदलते ही इस योजना जो ठंडे बस्ते में चली गई और अब गौ अभ्यारण योजना आ रही है, जिसका उद्देश्य लगभग वही है, सड़क पर आवारा घूमते पशुधन को नियमित आहार, देखरेख और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना, उनके संवर्धन और संरक्षण के प्रयास करना। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये योजना सफल हो पाएगी। और जब पहले से ही गौठान योजना मौजूद है तो उसके साथ स्थान पर अब नई योजना लाने की आवश्यकता क्या है? क्या गौठान योजना को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है, गाय गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही है, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है। विभिन्न गौठान गाँव में ही था तो गाय गांव से ही, गौठान में कोई रुंधान था नहीं, रुंधान मतलब घेराव कहते हैं छत्तीसगढ़ी रुंधान, तो वहां से वो खेत भी पहुंचती थी और वो सड़कों पर भी आती थी। तो सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने भी आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा हमको कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जा कर के आप सड़कों पर गाय न बैठे, उनको ऐसी परेशानी न हो, गायों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले गौठानों का विरोध करती थी, जब हम लोग गौठान बनाए हुए थे और हमारे जो मवेशी है उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का, उनकी सारी जिम्मेदारी गौठान बनाकर हर गाँव में किया गया था। अब ये हमारी आलोचना करते थे, आज अब खुद गौ अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा की बड़ी बातें करते थे, लेकिन जहाँ पे गौशाला बनाए रहती थी, गौशाला इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते थे, वो मोटे होते जाते थे और गौ माता जो है वो दुबली पतली होकर मर जाया करती थी। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गौ माता पर राजनीति गरमाती जा रही है, जहां दोनों ही पार्टियां अपने अपने तर्क दे रही हैं। इस बार अब छत्तीसगढ़ में सियासत गौठान बनाम गौ अभ्यारण्य है। आखिरकार क्या जरूरत है नई नियम की या नए जो प्रावधान की क्या जरूरत छत्तीसगढ़ में, चूंकि पहले से ही गौठान का जो एक नियम है वो लागू है, और ऐसे में अब गौठान होने के बावजूद गौ अभ्यारण्य लाना क्यों जरूरी है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय आपका उस खास पैनल से करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ बीजेपी से दिनेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ सतनाम सिंह जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अशोक तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अनादि टीवी पर चर्चा की शुरुआत में अशोक जी आप ही से करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में पहले से ही एक योजना जारी है गौठान, जो कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में शुरू की थी, और अब गौठान के बदले में बीजेपी गौ अभ्यारण शुरू करना चाहती है। उद्देश्य दोनों का एक ही है, क्या जरूरत इस योजना के शुरू करने की? और अगर छत्तीसगढ़ में हम गौ माता की स्थिति पर नजर डालें तो आप चूंकि वहां मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति वर्तमान में है गौ माता की? देखिए,
अपना मानना है कि सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो, जो भी योजना लाती है योजना कोई खराब नहीं होता, दिक्कत होती है उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा बिल्कुल है। गौठान योजना हो या अभयारण्य योजना हो, दोनों ठीक है। सवाल प्रश्न यह उठता है कि उसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं। अगर पुराने गौठान में भ्रष्टाचार थी तो कौन लोग थे? इसको जाने बिना अगर आप इसको शुरू कर रहे हैं तो वही लोग तो रहेंगे ना, उसी विभाग के लोग रहेंगे, तो बिल्कुल इसको भी वो सक्सेस नहीं होने देंगे। तो मेरा अपना मानना है कि मॉनिटरिंग में कुछ अच्छे लोगों को रखा जाए, सोसाइटी से कुछ लोगों को रखा जाए। हम हर चीज सरकार पे ही अगर निर्भर रहेंगे तो कोई भी प्लान होगा सक्सेस नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है चाहे वो हो चाहे ये हो, इसको ठीक से करें। ज्यादा से ज्यादा ये चीज हो, अभयारण्य बहुत बड़ा ये है और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि गाय को जो सड़क पे, जानवर को, मवेशी को सड़क पे जो हम छोड़ते हैं वो तो हमारे यहाँ हिंदू भाई ही छोड़ते हैं। बिल्कुल तो उनको ये कहा जाए कि वो अपनी गौ माता से प्रेम कीजिए भाई, छोड़िए मत इस तरह से। मेरा ये कहना है कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक कोई भी प्लान आपका सक्सेस नहीं। बिल्कुल, आपने जो एक बात कही कि योजना चाहे कोई भी हो, योजना अच्छी बुरी नहीं होती है, जरूरत होती है, विशेष जो एक चीज होती है वो उसका क्रियान्वयन होती है कि आखिरकार उस योजना का कैसे धरातल पर क्रियान्वयन किया जाए। आज इसी पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चलिए चर्चा की अब आगे शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मेरा सतनाम जी आपसे रहेगा कि गोधन योजना पहले से लागू है और अब गौ अभ्यारण योजना लाई जा रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर, क्या आप कहेंगे? देखिए, गौ माता के लिए अगर ये काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चाहे इन्होंने बदल के नाम रखने की कोशिश की है। पर हम आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे अभी अशोक भैया ने बोला कि जनता जो रहती है गौ माताओं को छोड़ देती है, वो छोड़ इसलिए देती है कि बाद में उनको पालना पोषना उनको बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है क्योंकि वो दूध देना बंद कर देती है। इसी कारण हमने गौमूत्र और अपना खरीदने का जो हमने काम किया था ये सबसे बड़ा एक अच्छा हो गया था, जिससे हम गोबर खरीदी करते थे तो लोगों को कुछ इनकम होने लग गई थी उनके खाने के लिए, गौ माताओं के खाने के लिए उनके लिए चारा वगैरह उससे मिलने लग गया था। तो इस कारण आप देखेंगे कि अभी अन्य क्षेत्रों से, जैसे आप उड़ीसा चले जाए, आप अन्य क्षेत्रों में चले जाए, हमारे से जुड़े हुए क्षेत्रों में चले जाए, तो सड़कों में झुंड के झुंड गाय बैठे रहते थे, पर हमारे यहाँ अभी बहुत कंट्रोल हो गया, लगभग 90% से ज्यादा कंट्रोल हो गया था, क्योंकि लोग अपने घर में गोबर से और गौमूत्र से कुछ पैसे अर्निंग करने लग गए थे और उनको चारा खिलाने लग गए। तो ये स्कीम इन्होंने आके बंद करके एकदम से बड़ा एक आघात किया उनके ऊपर। आप देखिए, कुछ कुछ महीनों में ही जब से इनकी सरकार आई है फिर से सड़कों पर गाय दिखने लग गई है और लगातार एक्सीडेंट होने लग गए हैं। हमने तकरीबन हर गांव में हमने गाय के रखने के लिए चारागान खोला था। उन चारागानों को वहां के एनजीओ के माध्यम से और वहां के लोकल जो लोग हैं उनके माध्यम से संचालित किया जा रहा था। हो सकता है, ये नहीं बोलते कि हर जो चलती है योजनाएं पूरी सफल हो पाती है, पर हमारा इतना सफल हुआ था कि 95% से ज्यादा हमारी योजना सफल हो गई थी। और इनको इन्होंने आके एकदम से बंद करके, और वैसे भी इनका काम है कि नाम चेंज करके काम करना, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि लगातार नाम चेंज करते जा रहे हैं, तो कोई हमको इससे कोई वो नहीं है, पर मतलब उसी योजना में भी सुधार किया जा सकता था, नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं थी, मेरा कहने का मतलब यही है और सबका यही कहने का मतलब है। और देखिए ये उसी, ठीक है दिनेश जी, जवाब देना चाह रहे थे, दिनेश जी जवाब दीजिएगा कि उसी योजना में सुधार करने के बजाय नई योजना लाने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या उसी योजना में सुधार नहीं हो सकता था? सतनाम जी का सवाल है। नैन्सी जी, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को और मीडिया के पूरे पैनलिस्ट को मेरा जय श्री राम। नैन्सी जी, योजनाएं तो लाती है कांग्रेस पार्टी, निसंदेह उन्होंने गौठान योजना लाई थी, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं रहती है। ये कोई भी योजना लाते हैं भ्रष्टाचार करने लाते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की काम जनता बोल रही है। गौठान में जिस हिसाब से इन्होंने 1330 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था,
जी साप्ताहिक गोबर, गाय का गोबर में घोटाला किया था खरीदी के नाम पे, जी साप्ताहिक गौमूत्र में घोटाला किया था। ये पूरी सरकार घोटाले की सरकार हो गई थी। गौ माता जैसे को इन्होंने नहीं छोड़ा था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा प्रदेश बोल रहा है। और इसीलिए इनकी गौ माता का अभिशाप लगा, छत्तीसगढ़ियों का अभिशाप लगा, इसलिए इनकी दुर्गति हुई और इनका सुपड़ा साफ हो गया। हम गौ माता को मानने वाले लोग हैं, हमें शुरू से सिखाया जाता है, जब से हम पैदा होते हैं गाय में 34 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उस गौ माता की रक्षा करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी आज योजना ला रही है, काम कर रही है, तो पेट में दर्द हो रहा है इनको, क्योंकि पेट में दर्द इसलिए हो रहा है सतनाम भाई को, क्योंकि ये योजना गौ माता गौ हत्यारे हैं वो पास। सवाल तो उनका ये है दिनेश जी, सवाल ये है कि उसी योजना में सुधार की बजाय नई योजना लाने का क्या उद्देश्य है, नई योजना क्यों लेकर आए, क्या उसी योजना में सुधार नहीं हो सकता था, नाम क्यों बदला? कि पाप पाप की जननी बन गई थी वो इस योजना को। अगर आप गौठान योजना बोलेंगे तो कांग्रेस की भ्रष्टाचार दिखने लग गया था। हम ऐसा कोई दिक्कत उस नाम से है या योजना से है दिनेश जी? दिक्कत नाम से है कि वो नाम कांग्रेस ने दिया था या वो योजना कांग्रेस की थी? उस योजना में भ्रष्टाचार हुआ था, हमने पूरी जनता के बीच ले गए थे कि एक गौठान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए उस योजना का हमने पूर्ववर्ती नाम दिया, ताकि उस योजना को लोग गौठान में भ्रष्टाचार की योजना जाने, कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने गौ माता के गौ माता को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार करने के लिए। ठीक है सतनाम जी, जवाब दीजिए। देखिए ये भ्रष्टाचार की अगर बात करना मैं अगर करूं और गौ माता की अगर बात करना है, तो गाय काटने वाली कंपनी अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड की तीन संस्थाओं से उन्होंने 250 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा ने लिया। आप ये बताइए ये इस चीज की बात करेंगे? और आपको एक बात बता देता हूं, क्यों इन्होंने गोबर खरीदी का बंद कर दिया? अगर बोलते हैं कि ठीक है चलो, अगर इनका आरोप है कि भ्रष्टाचार, वैसे तो कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, अगर भ्रष्टाचार होता है तो आज ये इनके पास जो बड़ी बड़ी एजेंसी है ना, ईडी सीबीआई, जो इनकी कठपुतली बनी हुई है, तब से उनको यहाँ पे ला के छोड़ दिया रहता और उसकी जांच करा लेती। क्यों नहीं जांच करा अगर आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की? पर आपके ऊपर तो डायरेक्ट चंदा लिया हुआ आपके लिखे आपके दिए हुए स्टेटमेंट में ही है कि आपने लिया है। और मोदी जी आप भाजपा वाले भी बात करते हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने हरित क्रांति लाई किसानों को लिया, सफेद क्रांति लाई दूध को बढ़ाने के लिए, और ये बात करते नरेंद्र मोदी जी विश्व को दूसरा आपने बीफ का एक्सपोर्टर बना दिया है इंडिया को, और पिंक रेगुलेशन लाएंगे बोलते हैं, खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि पिंक रेगुलेशन लाएंगे, अपने भाषण में उन्होंने बोला है कि हम पिंक रेगुलेशन ला रहे हैं और हम विश्व के दूसरे बड़े सबसे बड़े निर्यातक हो गए हैं। आप जब इनके बड़े नेता इस बात को बोल रहे हैं और ये गौ माता की बात कर रहे हैं, लगातार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको मैं आपको नाम बता गिनाते रहूंगा जिनसे इन्होंने चंदा लिया है, जो गाय काटने वाली कंपनी उनसे चंदा लिया है। उत्तर प्रदेश में इनके जहां इनकी लगातार सरकार बन रही है वहां बड़े बड़े दो दो निर्यातक बैठे हुए हैं, वो भी एक हिंदू। तो कहां से ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए मेरे, क्यों लिया उन्होंने चंदा? दिनेश जी जवाब दीजिएगा, कई सारे आरोप लगा रहे हैं सतनाम जी। आपने भारत वर्ष को दूसरा निर्यातक गौ मास में क्यों बना दिया? क्यों जी आपकी इजाजत हो तो मैं भी इसका जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल जी कहिए। ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बात करेंगे, भ्रष्टाचार में पैदा हुए हैं, भ्रष्टाचार में ही खत्म होंगे, और ये जनता खत्म कर रही है, इसलिए 400 से ये 45 में आ गए भ्रष्टाचारी लोग। जिस राज्य में सरकार थी सुपड़ा साफ हो गया इनका, पूरे की पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचारी की जननी बन गई। चंदा की बात करते हैं, अरे चंदा तो दिया जाता है भाई साहब, और चंदा आपने क्या नहीं लिया है? कोई भी राजनीतिक पार्टी चंदे से चलती है, इसलिए चंदे गौ मास काटने वाली कंपनी से नहीं लिया। अगर डिबेट करना है तो शांति से डिबेट करिए, जनता सुनेगी, डिसीजन बनेगी। आपने कहा ईडीआईटी, अरे चोरी चोर के घर ही तो ईडीआईटी और सीबीआई जाती है, और इसीलिए चोर के घर जाके ईडी और आईटी जैसी संस्था कार्रवाई कर रही है, आपके काले धन को पकड़ने का काम कर रही है ईडीआईटी।
अरे आप भ्रष्टाचारियों करके जा रही है, आपकी भी तो सरकार थी, क्यों कार्रवाई नहीं किए, क्योंकि आप खुद भ्रष्टाचारी थे। आज ईमानदार छवि का आदमी मोदी जी विश्व का गुरु आज बैठा हुआ है और कार्रवाई कर रहा है, और आपको हंसी आ रही है, आपको रोना आना चाहिए आपकी पार्टी के ऊपर, आपके पार्टी के नेताओं के ऊपर जो जे फेलते हैं, आपकी खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपके सीएम साहब भ्रष्टाचार की चन्नी बन गए थे। जिस जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जानता है कि वो भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था मेरी छत्तीसगढ़ महतारी को। इसलिए जहां भी जाता है कांग्रेस को भ्रष्टाचार का चेहरा के रूप में देखती है वहां की जनता, इसीलिए आपका ये कृत्य हो रहा है। और आप बात करते हैं हरित क्रांति की, अरे हरित क्रांति लाए होते तो मेरे किसान की आज दुर्दशा नहीं होती, आज मेरे किसान की स्थिति नहीं होती। हम तो 10 ही साल हुआ है, आप 70 साल राज कियो, अगर मेरे देश का किसान आज दुखी और दरिद्र है तो ये आपकी देन है, अगर मेरे देश का युवा ठीक है कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन चर्चा का जो विषय था हम शायद उस विषय से भटक गए हैं। चर्चा का विषय हमारा आज का गो अभ्यारण्य था, लेकिन भाई साहब ने ईडी आईटी हरित क्रांति चंदा कहां ले गए। ठीक है, चर्चा पर हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं, हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं दिनेश जी और सतनाम जी। दिनेश जी, मेरा आपसे ये सवाल है जो कि अशोक जी ने भी उठाया था कि योजना कोई भी हो, योजना कोई बुरी नहीं होती या योजना कोई अच्छी नहीं होती है, जरूरी होता है कि उस योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, धरातल पर वो योजना कैसे लाई जाए। अब छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में हो या किसी भी देश में हो, हम देख रहे हैं कि गायों की स्थिति बहुत बेकार हो रही है, काफी दर्दनीय स्थिति उनकी हो रही है, उन्हें सही से चारा नहीं मिल पा रहा है, सड़क किनारे जो भी खाना होता है उसे खाकर गायों की कई बार मौत भी हो जाती है। अब उस स्थिति से निपटने के लिए क्या जरूरी, चूंकि जो सवाल था अशोक जी का कि किसी भी विभाग को दिया जाए वहां पर अधिकारी वही होंगे, भ्रष्टाचार तो होगा ही, उस भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे आप? जी देखिए नैंसी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक जी की बात से मैं सहमत हूं, भ्रष्टाचार किसी भी योजना में नहीं होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की योजना बता देता हूँ, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार पे जवाब दे देता हूँ। आज मोदी जी को 10 साल होने में जा रहा है केंद्र में, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की सरकार है। वहीं आप देखेंगे अब छत्तीसगढ़ में बात करूंगा योजना की, महतारी वंदन में पूरा पैसा मिल रहा है, 3100 रुपए क्विंटल धान का मिल रहा है। पीडीएस जो डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस सिस्टम लाया था, वो देश में अच्छा सिस्टम लाया था पीडीएस, जिसको पूरा देश मानता है। हम योजनाएं लाते नहीं, हम योजनाएं क्रियान्वयन करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के शासन में एक भी योजना फेल नहीं हुई, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। और देख लीजिएगा अभी हम गौ माता के लिए जो योजना ला रहे हैं ना, ये निसंदेह पूरी की पूरी योजना सफल हो रही है। लेकिन जो सवाल था सतनाम जी का, जो प्रश्न था कि उनकी जो योजना थी उस योजना के तहत वो गायों का जो गोबर है, जो मलमूत्र है, उससे खरीदते थे जिससे किसानों की आय बढ़ती थी, और ये एक वजह रहती थी कि किसान जो गाय रहती है जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे वो बाहर नहीं छोड़ते हैं, उसे वो अपने पास ही रखते थे। अब ऐसे में आपकी जब ये योजना आएगी गौ अभ्यारण, तो इसमें आवारा जो पशु हैं, जो गौ माता हैं सड़क पर विचरण करती हैं, उन्हें किसी गौशाला में जाकर छोड़ा जाएगा, लेकिन वो क्रम तो बंद नहीं होगा ना, किसान तो गाय जब दूध देना बंद कर देगी उसके बाद भी उसे सड़क पर छोड़ ही देगा। नहीं, कोई चीज बताना चाहते हैं नैंसी जी, हर घुमंतु गाय उसको हम ले जाके गौ अभ्यारण में छोड़ेंगे। अभ्यारण का मतलब होता है किसी भी जानवर के रहने का स्थान, घूमने का स्थान, ये आधा एकड़ एक एकड़ में जो गौठान बनाए हुए थे, हम उनके लिए बड़ी कार्य योजना बना लाते हैं ताकि गाय माता वहां रहे। और रही बात गोबर से लेके जो भी गौ माता का रहेगा, उसे पूरी कार्य योजना बनाकर छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से चलाने वाली है।
और ये देखिएगा एक योजना जिस हिसाब से पीडीएस योजना, मातारी वंदन योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी की जिस हिसाब से पूर्ण 100% सफल हुई थी उस हिसाब से। दिनेश जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, इस योजना के बाद में जो पहले किसानों से गोबर खरीदा जाता था क्या वो बंद होगा या वो जारी रहेगा? देखिए इसकी एक मापदंड अनुरूप बन रहे हैं, भ्रष्टाचार ना हो ये सब पालन करते हुए हर योजना चालू की जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार को नजरअंदाज किनारे करके जैसे गोबर के नाम से इन्होंने भ्रष्टाचार किया था तो कुटी में सुधार करके गोबर खरीदा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अकलतरा का एक आदमी जिसके पास एक गाय नहीं है और ये इनके सदन में घोषणा करते कि 2-2.5 लाख रुपए का वो गोबर बेच दिया वो व्यक्ति। सत्ताम जी जवाब दीजिएगा, चूंकि कई सारे आरोप लगे थे जब गौठान योजना आई थी उस समय बीजेपी ने ही कई सारे आरोप लगाए थे, प्रदर्शन भी कई बार किया था कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो ये योजना लाई गई है उसमें गाय ही इतनी नहीं है जितने क्विंटल का गोबर इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लच्छेदार भाषण देना, भ्रष्टाचार हुआ और ये हो गया और उसके किए और गौ माता के लिए किए, आप अगर यथास्थिति की जानकारी आपको जाके लेना है तो मैं दिनेश जी से ही बोलूंगा एक बार गांव जाए और गांव में जाके यहाँ गांव में ही रहता हूँ भाई साहब, मैं गांव का बासिंदा हूँ, गांव में रहता हूँ आपसे ज्यादा भली भांति मैं किसान और गौरव आप मेरे से आप मेरे बीच में बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना, फिर मैं आपको बीच में बोलना तो टोकना चालू करूंगा। आप सुन लीजिए, जब आप आरोप लगाते हैं तो नहीं तो ठीक है ना, सुनिए ना, सुनिए तो आप सुनिए ना, सुनिए ना, बोलता है कई कई बार जल जल थोड़ा सा लग जाती है, क्या रहता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वहां पे लोग जो वहां पे जो किसान भाई हैं, जो शहर के भी जो लोग गौ पालन करते हैं उनसे अगर आप जाके जानकारी लेंगे तो उन्होंने गाय माता को निकालना बंद कर दिया था क्योंकि तो उससे उनकम की इनकम होने लग गई थी, निस्संदेह अगर 2 रुपए किलो में भी वो गोबर देते हैं। और जो ये आरोप की बात भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ, देखिए आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लगाया जा सकता है, यथास्थिति सच्चाई अगर होती तो मैं इनको पहले भी बोला हूं कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई होती भ्रष्टाचार की तो आज क्या इनके जो ईडी और सीबीआई का इस पे छापे नहीं मारते, इससे जुड़े हुए लोगों से जानकारी नहीं लेते, इसके अधिकारी जो लगे उनसे जानकारी नहीं लेते। देखिए हमने गौ गोबर खरीद के गोबर से पेंट तक बनाया, लोगों के यहाँ काठी के लिए गौ कास्ट देते हैं, जग जाहिर है सतनाम जी की गोबर से क्या क्या नई नई चीजें बनी हैं और गोबर से कई सारे उपयोग भी हुए हैं। समय का अभाव है, इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे 10 सेकंड में चाहूंगी सतनाम जी, कि नई योजना जो बीजेपी लेकर आने वाली है गौ अभ्यारण योजना, उसके कांग्रेस पक्ष में है या नहीं? देखिए हम गौ माता के हम भी जानते हैं कि गौ माता का सेवा करना चाहिए और हम ये बोलते हैं कि चलो बस अगर ये कर रहे हैं करके दिखा दें, उसमें कोई बात नहीं, गौ माता की सेवा होगी। अगर इन्होंने योजना का नाम बदल दिया, इन्होंने कई योजनाओं का नाम बदल दिया, आप तो देखिए बने बनाए स्टेडियमों का नाम इन्होंने बदल दिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पक्ष में है इस योजना के। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर इस योजना को लेकर आते हैं तो गौ माता की रक्षा जो मुख्य एजेंडा है वो क्रियान्वयन सही हो, जब सही हो इस योजना का, योजना के पक्ष में सही सेवा हो। ठीक है, ठीक है अशोक जी, आपसे मैं कम समय में, समय का बहुत अभाव है, एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा रहेगा तो 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगी। आपने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी हैं, दोनों ही पार्टियों का आपने जवाब सुना है, क्या लगता है आपको कि इस बार जो योजना लाई जा रही है वाकई ये गौ माता के लिए लाभकारी साबित हो पाएगी? मुझसे कुछ नहीं है जी अशोक जी, आपसे मेरे ख्याल से हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक मजबूरी होती है, वो हर जगह अपना नाम खोजता है, अपना नाम ताकि भविष्य में जब चुनाव हो तो ये करे कि मैं योजना को लागू किया हूँ। सबसे पहले जो नाम बदला है उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ, अगर इसे ये ठीक से लागू करते हैं तो निश्चय विजयी होंगे। दूसरी चीज है कि इन्होंने अभी तक पता नहीं लगाया, किसी को अरेस्ट नहीं किया, कौन सरकारी कर्मचारी थे कि गौठान में भ्रष्टाचार किया था, आम आदमी से जाके नहीं पूछा, अपने निर्णय ले रहे हैं। तो ख्याल से और लोगों से पूछना चाहिए क्या कमी थी, उन कमियों को देखते हुए इस योजना को अगर लागू करेंगे निश्चय ये सफल होगा।
बिल्कुल, यानी कि योजनाओं पर सियासत तो लगातार जारी रहेगी ही, और शुरुआत से ही हम देख भी पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ माता पर लगातार सियासत की जाती है, लेकिन सवाल यह है कि सियासत के बीच में गौ माता जो दर दर भटकती हैं, जो सड़कों पर विचरण करने को मजबूर हैं, आखिरकार उनका आश्रय कब मिल पाएगा, उन्हें कब सुरक्षा मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।